वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। नाउ द मोस्ट अवेटेड वीडियो लाइक व्हाट विल बी द कट ऑफ, व्हाट विल बी द कट ऑफ लाइक। सो टुडे आई एम विद द एनालिसिस एंड द प्रेडिक्शंस ऑफ द अपकमिंग एसएससी सीजीएल 2016 टीयर 1 कट ऑफ। ठीक है, लेकिन एक बात आप ये पढ़ लीजिए कि द टीयर 2 2016 exam is scheduled to be held in November 2016. The cutoff of SSC CGL Tier 2 exam will be published along with the result in January 2017. On the basis of Tier 1 and 2 cutoff, the candidates will be shortlisted for the Tier 3 exam. The qualifying marks in the SSC CGL Tier 3 exam is 33%. Okay, this was the notification from SSC. Okay. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, देखिए हम अभी सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स 5 ईयर्स का एक एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का। जैसे मैंने कहा था आपको कि हम एनालिसिस के साथ एक प्रिडिक्शन करेंगे कट ऑफ का। सो हम 2011 से लेके 2015 तक एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना था पिछले 5 साल और अभी क्या हो सकता है। लेकिन अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम था, अभी निगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई थी, तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये मैं आप ये डिस्कस होने के बाद आपके साथ, जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की स्लाइड आएगी तब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 2015 से कि 2015 का कट ऑफ क्या था। देखिए 2015 में टीयर 1 का जनरल का कट ऑफ था 102.25, ओबीसी का था 89.50, एससी का था 80.25 एंड एसटी का था 74.25। ओके गाइस, 2014 में देखिए क्या फ़र्क गिरा, कट ऑफ कम हुआ, जनरल का 96.50, ओबीसी 82, एससी 77 एंड एसटी 69.50। इससे हमें ऐसे लगता है कि 2014 में पेपर हार्ड था एंड डेफिनेटली पेपर थोड़ा हार्ड था। ठीक है, 2013 में री एग्ज़ाम हुई थी, उसका कट ऑफ देखेंगे, टीयर 1 के कट ऑफ हम डिस्कस करें अभी। 2013 का री एग्ज़ाम का जनरल का 102 था, ठीक है, ओबीसी 85 था, एससी 77 एंड एसटी 69 था। ठीक है, एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2013 का जो एक एग्ज़ाम हुई री हुई थी, एक एग्ज़ाम जो एक शिफ्ट थी उनकी एग्ज़ाम जो रेगुलर हुई थी वही हुई थी, री उनकी एग्ज़ाम नहीं ली गई थी। ठीक है, सो जनरल का था 96, ओबीसी 81.50, एससी 75.25 एंड एसटी 70.25। ठीक है, अब हम 2012 की बात करते हैं, जनरल 82, ओबीसी 70, एससी 64, एसटी 62। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2011 की। 2011 में क्या हुआ, कट ऑफ 86.75 था, ओबीसी 70.25 था, एससी 63.5 था एंड एसटी 63.25 था। ये 2011 का था, तो हम अभी वापस जाएंगे 2011 में। देखिए जनरल का कट ऑफ क्या था, 86.75, ओबीसी था 70.25, एससी था 63.5 एंड एसटी था 63.25। फिर 12 में क्या हुआ, कट ऑफ कम हुआ, 82 हुआ जनरल का, ओबीसी का 70 हुआ। ठीक है, देखिए 70 था तो 70.25 था तो 70 हुआ, 63 point something था एसटी का तो 64 और एसटी 62, इन दोनों के बीच में ज़्यादा फ़र्क हुआ नहीं। फिर 13 पे देखिए आप क्या असर हुआ, कट ऑफ फिर से बढ़ गया, 96, ओबीसी 81.50, एससी 75.25, ठीक है, और एसटी 70.25। ठीक है, बाद में जो री एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी कट ऑफ, री एग्ज़ाम में हमेशा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस होते हैं जब री एग्ज़ाम होती है, कैंसिल होकर फिर से लेना उस चीज़ में। 102 था जनरल, ओबीसी 85 था, एससी 77 था एंड एसटी 69 था। ये 2013 की जो री थी, ठीक है, और 2014 का हम 96.50 था, ओबीसी 82 था, एससी 77 एंड एसटी 69.50। जनरल 2015 की बात करेंगे, 102.25, ओबीसी 89.50, एससी 80.25 एंड एसटी 74.25। ठीक है, मैंने आपको रिवर्स क्यों लाया, क्योंकि आपके ध्यान में आना चाहिए कि कट ऑफ जो है ऐसा कोई स्लाइटली या फिर एकदम से या फिर कोई प्रपोर्शन से
नहीं बढ़ता, पेपर पे डिपेंड होता है एक्चुअल में, कि पेपर कैसे था, स्टूडेंट्स अप्लाइड जिन्होंने किया था और एग्ज़ाम जिन्होंने दी थी, एक्चुअल में जो एग्ज़ाम देते हैं वो स्टूडेंट्स कितने थे, ये सारे नंबर्स पे ये सारी चीज़ें जो होती है ये डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो हमारा कट ऑफ डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा प्रिडिक्शन एसएससी सीजीएल 2016 का, उसमें मैंने सारी चीज़ों का ध्यान दे के ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, ठीक है। उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन किया है कि देखिए ये जो मैंने अभी तक के कट ऑफ डिस्कस किया आपके साथ 2011 से लेकर 2015 तक, इन सारों में निगेटिव मार्किंग 0.25 था, ये ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चंस 50 थे हर सेक्शन में, टोटल 200 क्वेश्चंस थे, टाइम 2 आवर्स का था, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम हुआ इस साल वो ऑनलाइन था, और ये पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ये सारे ऑफलाइन थे, अब जो एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन था। और दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग 0.5 थी, इसमें क्वेश्चंस कम किए गए, ठीक है, टाइम कम किया गया, ठीक है। इसके ही आधार पर मैंने जो कट ऑफ बनाया है उसको हम देखेंगे। सो गाइज आर यू रेडी? सो लेट्स टेक अ लुक। देखिए मैंने जो कट ऑफ, मेरा जो थिंकिंग है वो ये बनता है कि जनरल का कट ऑफ जो रहेगा इस बार का 100 एंड 110, 100 से 110 के बीच में, 100 एंड 110 के बीच रहेगा, ठीक है। 100 एंड 110 के बीच कोई भी फिगर रह सकता है, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ 90 टू 100 के बीच रहेगा, 90 टू 100 के बीच, ठीक है। एससी का कट ऑफ 80 टू 90 के बीच रहेगा, ठीक है, और एसटी का 70 टू 80 के बीच। अब आपको लगेगा कि आप ने कम कट ऑफ दिखा रहे हैं आप, ठीक है। सो गाइज मैंने कम कट ऑफ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया, 1-2 मार्क का डिफरेंस शायद यहाँ पे होगा, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, या कट ऑफ ज़्यादा कम भी नहीं होगा। कट ऑफ देखिए, निगेटिव मार्किंग जब बढ़ती है ना, तब चांसेस कट ऑफ के ना बढ़ने के होते हैं ना कम होने के होते हैं, क्योंकि अगर आंसर देखिए, लोग अगर इजी पेपर आ रहे हैं तो आंसर गलत करने में ज़्यादा चांसेस होते हैं आंसर गलत होने के, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है इजी है तो मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ये एक माइंडसेट होता है हर एक जो एग्ज़ाम दे रहा है लड़के का, आप खुद भी इससे गुजरे होंगे। सो गाइज 0.5 जो मार्किंग रहती है ना वो बहुत होती है। देखिए आप अगर 0.25 निगेटिव मार्किंग से चलेंगे तो अगर आपके 4 क्वेश्चंस भी गलत होते हैं तो 1 मार्क कटेगा, लेकिन इसमें 2 मार्क कटेंगे, सीधा सीधा आप डबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाया है। सो गाइज अगर आप देखिए, ये कट ऑफ है, एनालिसिस है, एक एक्सपेक्टेशन है, अगर इस ये नहीं भी होता है तो हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन हमने एक हमारा आइडिया हमारे पास होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ होना चाहिए, हमने TL2 की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए प्रॉपरली या नहीं, या फिर हमने जो आने वाली एग्ज़ाम्स है IBPS की एग्ज़ाम्स है बैंकिंग की, फिर आगे और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, फिर और एग्ज़ाम्स है, तो उनमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ इसके लिए हमने एनालिसिस लिया है, और जब रिजल्ट आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, ये मेरा टैगलाइन है कि होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छे की ही होप कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है, लेकिन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, रेडी रहिए आप नेक्स्ट चीज़ के लिए, ठीक है। अगर इसमें शायद हमारा नहीं हो पाए तो हम नेक्स्ट चीज़ में 101% सक्सेसफुल रहेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो सब एग्ज़ाम एक ही पैटर्न में चलती है, और अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन भी हो गई सब एग्ज़ाम, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है सब एग्ज़ाम्स का। सो गाइज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप कोई एक एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं, ठीक है। आप प्रिपेयर भी कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्स को, और होप फॉर द बेस्ट कीजिए, आप ये भी एग्ज़ाम पास होंगे, आगे वाले आने भी एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं सो आप देने वाले हैं तो वो भी आप सक्सेसफुल उसमें भी रहेंगे, ठीक है। सो गाइज और बहुत सारी स्टडी रिलेटेड IBPS बैंकिंग हो है, फिर CGL टीयर 2 का इंग्लिश और क्वांट सेक्शन कवर करने के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। सो गाइज आपको अगर कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए आपका, ठीक है। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।